कार्तिक आर्यन ने खास मकसद से कराया फोटोशूट। कोरोना वायरस पैंडेमिक में लंबे लॉकडाउन के बाद मनोरंजन उद्योग की गाड़ी पटरी पर लौट रही है और कलाकार शूटिंग के लिए भी लौट रहे हैं। अब कार्तिक आर्यन भी 7 महीनों बाद शूटिंग करने के लिए लौटे हैं। कार्तिक लैक्मे फैशन वीक के वर्चुअल शो की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कैमरे का सामना किया। कार्तिक सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए शो स्टॉपर बने हैं। उनका एक वीडियो कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो के साथ कार्तिक ने लिखा है, 7 महीनों के बाद पहली बार शूट किया। मुझे खुशी है कि ये मिसवा वेलफेयर सोसाइटी के लिए है, जो फीमेल आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए है। लैक्मे फैशन वीक की शुरुआत मनीष मल्होत्रा के रूहानियत शो से होगी। इस बार लैक्मे फैशन वीक डिजिटली आयोजित किया जा रहा है। कार्तिक इससे पहले 2 बार मनीष मल्होत्रा के लिए वॉक कर चुके हैं। एक बार वो करीना कपूर खान के साथ शो का हिस्सा बन चुके हैं। इस वीडियो में कार्तिक एक अलग लुक में नजर आए। लॉकडाउन के दौरान अपने लुक से तमाम एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख चुके हैं कार्तिक आर्यन, और आखिरकार लंबे बालों के साथ फैशन वीक में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। कार्तिक के फिल्मी करियर की बात करें तो उनकी फिल्म भूल भुलैया 2 का रिलीज का इंतजार कर रहे हैं उनके फैंस, जिसे अनीस बस्मी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म में कार्तिक पहली बार कियारा आडवाणी के साथ पेयर अप हुए हैं। फिल्म से जुड़े हुए सोर्सेज के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू की जाने की संभावना है। We'll be right back.